Hello student, today we see the topic that is the loop antenna. See, there are two types in loop antenna. The first one is the circular loop and second one is the square loop. Okay, this is the feed point of this loop antenna. Okay, see the description points. The loop antenna has a two types, circular and square. In circular loop, loop contain the circular coil. Circular loop mein circular coil rahegi and the square loop contain the square coil. Square loop mein jo hai aapki square coil rahegi. Okay, the coil carrying current through it, the dimension of the coil smaller than the wavelength. ये जो coil है जो कि हमने circular square में use किए वो किस लिए use करते हैं? For the current carrying. और ये क्या रहेगी, वेवलेंथ से क्या रहेगी, कम रहेगी. ओके, जो भी वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उससे वो कम रहेगी. ओके, देन हियर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल हैज अ सेम फेस. यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा कॉइल में उसका जो फेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, देन सी नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप हेंस द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड इट. मीन्स जब भी वो करंट क्या होगा, फ्लो होगा लूप में से, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी. कब, जब करंट यहाँ से फ्लो होगा. देन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. ओके, परपेंडिकुलर रहेगी लूप को. ओके, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी, वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द लूप रहेगी. ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. रेडिएशन पैटर्न ऑफ द लूप एंटीना. रेडिएशन पैटर्न ये क्या है आपका, रेडिएशन पैटर्न है लूप एंटीना का. ये किसकी तरह दिखता है, दैट इज़ अ डोनट टाइप पैटर्न. ओके, डोनट टाइप पैटर्न से जैसे दिखता है. देन नो रेडिएशन इज रिसीव नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंटीना. अगर क्या होगा, लूप एंटीना अगर क्या रहेगा, नॉर्मल टू द प्लेन रहेगा, तो ये रेडिएशन पैटर्न आपको रिसीव नहीं होगा. ओके, देन सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज यूजफुल इन डायरेक्शन फाइंडिंग. ये जो पैटर्न है, ये डोनट टाइप जो पैटर्न है, ये कहाँ पे यूज़ करता है, यूज़ होता है फॉर द फाइंड डायरेक्शन फाइंडिंग में हम लोग ये यूज़ करते हैं. ओके, देन इट इज़ माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द रिसीवर. ये कहाँ पे हम लोग माउंट कर सकते हैं, जो रिसीवर का टॉप होता है. ओके, रिसीवर के टॉप पे हम लोग इसको माउंट कर सकते हैं. और जो रिसीविंग आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट होगा इसका, वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, इट विल बी कनेक्टेड इन द इंडिकेटिंग मीटर. ओके, इंडिकेटिंग मीटर को हम लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट. ओके, सो दिस एक्सप्लेनेशन इज हम लोग अभी नोट्स फॉर्म में भी देखने वाले हैं. सो सी ऑलरेडी सी इन दिस पॉइंट्स इज ऑलरेडी कवर. सो अगेन that is this point is also cover, this point is also cover, this point is also cover, and this is also cover. Okay, so after that we see the advantage and application of the loop antenna. Okay, so see the advantage and application of loop antenna. The first is the advantage, small in size, highly directive. Means iski size small rahegi aur jo hai direction iski bahut zyada high rahegi. Okay, application kya hai, फॉर द डायरेक्शन फाइंडिंग अप्लीकेशन. ऑलरेडी मैंने अभी बताया है किस लिए हम लोग यूज़ करेंगे, फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग. देन नेविगेशन अप्लीकेशन, नेविगेशन अप्लीकेशन के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे. मीन्स अगर किसी की आपको जगह मालूम करनी हो, उसका प्लेस मालूम करना हो, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन. ओके, अभी डिसएडवांटेज भी देख लेंगे क्या है. वेरी लो रेडिएशन इफिशेंसी. डिसएडवांटेज क्या है इसका, जो रेडिएशन इफिशेंसी है इसकी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज एप्लीकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ लूप एंटीना. आफ्टर दैट वी सी द
comparison in loop antenna and ferrite rod antenna. Okay, see the comparison points. In loop antenna, working principle is that when EM wave passing over the conductor on EMF induced in it, means जैसे ही EM wave क्या होगा, pass होगा, so इसमें conductor क्या करेगा, EMF induce कर लेगा. Ferrite rod का क्या है, सेम एज दैट ऑफ द लूप एंटीना, मीन्स लूप एंटीना में जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वही फेराइट रॉड में भी होगा. कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है लूप एंटीना का, सिंगल टर्न कॉइन हम लोग यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, और फेराइट रॉड में क्या करेंगे, इट इज़ अ मल्टीपल टर्न कॉइल वाउंड ऑन अ फेराइट कॉइल, फेराइट रॉड. ओके, यहाँ पे क्या मल्टीपल टर्न कॉइल हम लोग यूज़ करेंगे जो कि फेराइट रॉड पे वो क्या होगा, वाउंड होगा. ओके, देन रेडिएशन पैटर्न क्या है, रेडिएशन पैटर्न दोनों का भी डोनट पैटर्न रहेगा, सेम रहेगा. देन एप्लीकेशन देखिए, नेविगेशन एंड डायरेक्शन फाइंडिंग, ऑलरेडी देखा हमने लूप एंटीना का क्या है, डायरेक्शन फाइंडिंग और नेविगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. अभी फेराइट रॉड का क्या है एप्लीकेशन, दैट इज़ द रेडियो रिसीवर. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द कंपेरिजन ऑफ लूप एंटीना एंड फेराइट रॉड एंटीना. ओके, ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी. सो आज का डिटेल्स टॉपिक खत्म हो चुका है. थैंक यू.